महिंद्रा XUV 700 रखा हुआ है, तो एक लुक मैं दिखलाता हूँ आपको XUV 700 का। एक राउंड व्यू दिखलाने के बाद मैं आपको इंटीरियर भी दिखलाता हूँ। ये है 700, टॉप मॉडल 700, XUV 700 टॉप मॉडल। तो ये फाइनली टॉप मॉडल। आपका नाम क्या है? अभिषेक तिवारी हैं। और ये आपको बताएंगे इसके बारे में, फीचर्स बता दीजिए। XUV 700 है, कितना सीसी का है? ये पेट्रोल वाला है, 1.7 लग्जरी पैक, जिसमें 2197 का है, 1997 2.0 लीटर इंजन। अच्छा, 2.0 लीटर, तो 21 का इंजन डाला हुआ है। ओके, इंजन चेंज है, 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील रहेगा, चारों में डिस्क ब्रेक रहेगा। ये अलॉय व्हील तो दिख रहा है, ठीक है। ओके, फ्रंट में क्लियर व्यू DRL हेडलैम्प के साथ एक ऑटो बूस्टर हेडलैम्प आता है। ओके, जिसका काम रहता है कि गाड़ी आपकी अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्रॉस करती है नाइट के टाइम पे, हाँ ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल LED के मुकाबले, तो मतलब सेंसर है वो सब स्पीड पे एक्टिवेट हो जाएगा, 3 times मोर ब्राइटनेस क्रिएट करता है। ओके, सामने एडास फंक्शन का सेंसर आपको लगा हुआ दिख जाएगा वहाँ पे मिरर के पास, ठीक है। ये देखिए, सारा का सारा डोर ऑटोमेटिक है। हाँ, वो तो मैंने अभी देखा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आपका सारा कुछ खुल जाएगा पूरी तरह से। पैसिव के लिए एंट्री, आपको चाबी का चाबी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटीरियर दिखाइए प्लीज, दिस सीट इनसाइड, बैठिए साइड, एक मिनट। चलिए, तो मैं भी देखता हूँ। नाउ लुक एट हियर हाउ दिस लुक लाइक। सो XUV 700 इज द लोगो महिंद्रा का, आपको मिल जाएगा। ये आपका फ्रंट देखिए, आप पैनल दिया हुआ, सो ये पूरा डिजिटल है। हाँ, पूरी तरह से डिजिटल। वो इतना लंबा, बहुत ज्यादा लंबा है। मर्सिडीज का DLX जो पिछले साल लॉन्च किया था ना कंपनी, हाँ, बस वही वाला डिजाइनिंग डाला हुआ है। पहला चीज तो ये रहता है सीट ऑटोमेटिक है। हाँ, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, टॉप मॉडल है तो ऑटोमेटिक है। और प्लस में साथ ही साथ इसका सीट भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, बस गेट ओपन होगा सीट ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। उसको गेट लॉक हुआ। ओके, मेमोरी सिस्टम में 2 seconds में एक मेरा सीट एडजस्ट किया हुआ है, ये एडजस्ट हो गया। थर्ड पे एक और है, तो ये थर्ड पे चला जाएगा। सेकंड पे कीजिएगा और फर्स्ट वाले पे कीजिएगा, तो फर्स्ट पे जो सेटअप किया हुआ है फर्स्ट पे आ जाएगा। राइट, बात करें स्टीयरिंग के, तो स्टीयरिंग में आता है टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक। इसमें सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिलता है, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प, ऑटो बूस्टर समथिंग, मतलब ये तो मैनुअल ही हुआ ना, ये तो ऑटोमेटिक नहीं हुआ सच, जो हैंडल को ऊपर नीचे कर रहा है। हाँ, ये हैंडल आपका मैनुअल रहेगा, बट जो लाइटिंग रहता है और ये रेन सेंसिंग वाइपर रहता है, ये भी ऑटोमेटिक ही रहेगा पूरी तरह। और अब तो कीलेस एंट्री तो कॉमन हो गया है पूरी तरह, बिना चाबी का। कीलेस तो खैर ओल्ड मॉडल हो चुका है, 7 साल पहले कीलेस आ चुका था। बात करें स्टीयरिंग का, तो सर्कल रेडियस बाकी गाड़ी के मुकाबले पूरी तरह से नॉर्मल है, एक उंगली से गाड़ी को चलते वक्त आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह, पूरा फ्री है। और डिस्प्ले ऑन है क्या? डिस्प्ले देखिए कैसा दिख रहा है। और चूंकि 7-seater है, काफी स्पेस पीछे बैठो जी, कोई बैठो, देखो कैसा है पैर। विदाउट की है क्या? तो आराम से आप, लेग रूम आपको दिख रहा होगा, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। AC वेंट बैक में दिया हुआ है और सनरूफ है। हाँ, सनरूफ है, तो सनरूफ भी है ना, सनरूफ है इसमें, ओपन सनरूफ। ओके, सो लुक एट, ये बिल्कुल जो क्रेटा में मैंने देखा था एज इट इज आपको दिख रहा है, आप बोल के सनरूफ को ओपन करवा सकते हो, और ये ओपन हो गया। और इसके पीछे आप, मैं दिखलाता हूँ आपको, बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है, और फिर 7-seater अगर यूज करोगे तो बूट स्पेस कम मिलेगा। तो ऐसी है XUV 700। सो बोथ है, आप बोल के भी कर सकते हो,
ऑटोमेटिक अगर वो नहीं डिटेक्ट की तो फिर आप कर सकते हो, बट एक क्लियर साउंड तो चाहिए ही। हाँ, क्लियर साउंड चाहिए, वही अगर डिटेक्ट नहीं किया तो आप मैनुअली फिर आपके पास आए। ये गाड़ी आपका ऑटोमेटिक के साथ मैनुअल भी आता है? ओके, ये ऑटोमेटिक में भी है और मैनुअल में भी? हाँ नहीं, वो सब टॉप मॉडल में वही है, एक ऑटोमेटिक है, थोड़ा चार्ज ज्यादा होगा और उससे पहले मैनुअल। अच्छा सेम, ये मैनुअल है जो मैं देख रहा हूँ। ओके, ऑटोमेटिक भी है? अच्छा बोथ है इसमें, बैठ कर देखिए बताते हैं। अच्छा चलिए, ये आपका स्टार्ट होता है एक पार्किंग पे है, पार्किंग पे से ये आया रिवर्स पे, ठीक है, रिवर्स पे से आया ये आपका मैनुअल पे, ड्राइव मोड पे आ गया और बस इसको एक बार इधर कर देना है। ये आपका अप एंड डाउन, ये हो गया आपका मैनुअल गियर शिफ्टिंग, मैनुअल ड्राइव, ऑटोमेटिक पे। इस पे रखिएगा तो आपको गियर अप एंड डाउन करते रहना पड़ेगा, इस पे रखिएगा कुछ भी करने की ऑटोमेटिक। अच्छा, आपको जैसे चला ऑटोमेटिक चलाना तो फिट कर दीजिए, अदरवाइज मैनुअल आदत है तो फिट करके आप गियर सिस्टम कर यूज कर सकते हो। बिल्कुल, पूरी तरह से ये एंट्री कंट्रोल दिया है, वो जस्ट स्मॉल फोन जो आता था ना पहले नोकिया, ये सब का बिल्कुल उसी की तरह से ये ऐसे यूज करने के लिए सारा। अभी कैमरा करता हूँ अगर आपको दिखे तो देखो 6 इंच से भी ज्यादा अगर आप आराम से बैठे हो तो उसके बावजूद भी गैप है, काफी गैप है, तो पता नहीं मुझे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरा में। तो देखिए काफी है, ये काफी है जो मुझे, और ये बैग वगैरह पूरा सोनी का 12 स्पीकर आता है साउंड, एक बार हम आपको चेक करा देते हैं। अच्छा अच्छा, 12 दोनों गेट पे है, 6 तो आपका फ्रंट में है। अच्छा ठीक, 6 फ्रंट कहाँ है? 1 2 3 4 ओके, 5 हाँ यहाँ यहाँ भी दिया हुआ 1 2 डोर में क्लोज कर लीजिए तो आपका स्पीकर दिखलाता हूँ, 1 और आपको दिख रहा होगा, देन नीचे है 2 एंड हाँ 3 4 हुआ। ओके, शो यहाँ भी दिया हुआ स्पीकर, ये भी स्पीकर जैसा है पर मुझे नहीं लगता ये स्पीकर है। नहीं नहीं, ये स्पीकर नहीं है। हाँ, पर ऐसा उसमें से बनाया था, तो 6 तो यहीं हो गया और फिर पीछे 2 होगा ना। बात करेगा साउंड क्वालिटी की तो एक बार आप साउंड भी चेक कर लीजिए। Thank you.